गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट आर द लेयर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर डिवाइड हुआ है फाइव लेयर्स में। एटमॉस्फेयर थिकेस्ट होता है कहाँ पे? सरफेस के पास। और थिन कहाँ होता है? जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है ना। फर्स्ट जो लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर इज द फर्स्ट लेयर जो सरफेस के एबो होता है, और इसमें हाफ ऑफ द एटमॉस्फेयर पर प्रेजेंट होता है अर्थ का, ठीक है। इस वाली लेयर में क्या होता है? वेदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लेयर आती है स्ट्रेटोस्फीयर की, जहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह फ्लाई करता है, ठीक है। क्योंकि ये वाली लेयर जो होती है ये स्टेबल होती है, ठीक है। और इसी लेयर में ओजोन लेयर जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेयर है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में रॉक के फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो बर्न अप होते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ लेयर आती है दैट इज द थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर वो लेयर है जहाँ पे शटल ऑर्बिट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और लास्ट वाली जो लेयर है वो होती है एक्सोस्फीयर, ठीक है। जहाँ पे एटमॉस्फेयर मर्ज होता है स्पेस में, उस वहाँ पे वो बनाती है कौन सी लेयर? दैट इज एक्सोस्फीयर, ठीक है। ये हमारा अपर लिमिट होता है किसका? एटमॉस्फेयर का, ठीक है। सो फाइव लेयर्स कौन कौन से है? ट्रोपो है, स्ट्रेटो है, अगर हम अर्थ से स्टार्ट करेंगे, फिर मेसोस्फीयर है, फिर थर्मोस्फीयर है, और फिर उसके बाद कौन सी है? एक्सोस्फीयर, ठीक है। अच्छा, ओजोन लेयर जो है इसकी प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है? ओजोन लेयर जो होती है इसको प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या करना है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो यूज़ है उसको कम करना है। वो वाला प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करना है जो ओजोन फ्रेंडली होंगे, दैट मीन्स जो सीएफसी फ्री होंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे एच सी एफ सीज हैं, वो सब्स्टिट्यूट हैं किसके? सी एफ सीज की, ठीक है। ये सारे स्टेप्स अगर हम लेंगे तो हम ओजोन लेयर को सेव कर सकते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर क्या होती है? ये वो लेयर होती है जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारा ओजोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वाली जो लेयर होती है ये शील्ड है हमारी अर्थ को, ठीक है। ये और किसको? हमारी अर्थ को किससे बचाती है? यूवी रेडिएशन, वो वाली रेडिएशन दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है। बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था? ओजोन मॉलिक्यूल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने उन मॉलिक्यूल्स ने हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट किया किससे? किसके इफेक्ट से? हार्मफुल यूवी रे से, ठीक है। अच्छा, अगर डेफिनेशन लिखनी होगी, ओजोन लेयर क्या होता है? ये वो रीजन है अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में जिसमें हायर कंसंट्रेशन ओजोन की प्रेजेंट होती है, और ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है किससे? हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, ठीक है। उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है? इट इज अ ग्रेजुअल थिनिंग जो होती है अर्थ के ओजोन लेयर की, कहाँ पे? अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये किसकी वजह से थिनिंग होती है? ड्यू टू द रिलीज ऑफ सर्टन केमिकल कंपाउंड्स, जिसमें गैसेस ब्रोमीन आता है या क्लोरीन आता है। ये कहाँ से आता है? हमारी इंडस्ट्री से आता है या दूसरे ह्यूमन एक्टिविटी से आता है, ठीक है। ओजोन लेयर डिफिनीशन अगर आपने लिखी होगी, इट्स द ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ द अर्थ ओजोन लेयर इन द अपर एटमोसफेयर, ठीक है। अच्छा, अब कॉजेज क्या है ओजोन लेयर डिप्लीशन के? ओजोन लेयर डिप्लीशन के काजेज हैं, एक तो सीएफसीज का यूज, ये मेन काज है ओजोन लेयर डिप्लीशन के। ये कैसे रिलीज होते हैं? ये सोप जो हम यूज करते हैं, या स्प्रे एरोसोल जो यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स का यूज करते हैं, या एसीज का यूज करते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं यूवी रेडिएशन से, और वहाँ पे ये रिलीज करते हैं क्लोरीन एटम्स को। यही एटम्स रिलीज रिएक्ट करते हैं हमारे ओजोन के साथ और डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन की लेयर को, ठीक है। उसके बाद अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्च जो है
बहुत सारी रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि जो हम रॉकेट लॉन्चिंग करते हैं इसकी वजह से भी क्या होती है, डिप्लीशन होती है ओजोन लेयर की, ठीक है ना। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या होगा, वहाँ पे लॉस हो सकता है ओजोन लेयर का 2000, अगर हम बात करेंगे 2050 तक कम्प्लीटली ओजोन लेयर जो होगा उसका ह्यूज लॉस हो सकता है। फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है ना। ये ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। ऐसे ही नेचुरल कॉजेज क्या हैं, हमारी ओजोन लेयर जो है ये बहुत सारी नेचुरल प्रोसेस से भी डिप्लीट होती है, जैसे सन स्पॉट्स है या स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स है, ठीक है ना। और ये ज़्यादा डैमेज ओनली इनकी जो डैमेज होता है इसकी वजह से डिप्लीशन होती है सिर्फ वो 1-2% होती है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन जो होती हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। फिर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, हैलोन्स है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, यही हम बोल सकते हैं ODS क्या होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज आर दो सब्सटेंसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। अब कुछ लिस्ट है इन सब्सटेंसेज की जहाँ से ये रिलीज होते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इनका सोर्स क्या है, रेफ्रिजरेटर्स है, ACs हैं या ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं, ऐसे हैलोन्स है जो फायर एक्सटिंक्शर्स में यूज़ होते हैं, ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है जो फायर एक्सटिंक्शर में प्रेजेंट होता है, मिथाइल क्लोरोफायर ODS है, एडिसिव्स एरोसोल से लिबरेट होता है, ऐसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं जो फायर एक्सटिंक्शर सॉल्वेंट क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है वहाँ से रिलीज होता है। और ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ये हमारी ओजोन को धीरे धीरे डिप्लीट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इफ़ेक्ट्स क्या है ओजोन लेयर डिप्लीशन के, ये ओजोन लेयर इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, एक तो ह्यूमन हेल्थ पे हैं, ह्यूमन हेल्थ पे भी यूवी रेडिएशन जो सन से आती हैं वो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, जैसे स्किन डिजीजेस है, कैंसर है, सनबर्न है, कैटरेक्ट है, या कोई एजिंग होती है, या इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है एनिमल्स पे भी ये आई या स्किन कैंसर कर सकती है, ठीक है। ऐसे एनवायरमेंट पे भी क्या असर है इसका, स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये मिनिमम ग्रोथ करती है फ्लावरिंग प्लांट्स, और फोटोसिंथेसिस भी कम हो सकती है, ठीक है। फॉरेस्ट पे भी इनका हार्मफुल इफेक्ट होता है। और मैरीन लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है, जो भी प्लैंकटॉन्स प्रेजेंट होते हैं अगर उनको एक्सपोजर होगा किसका, यूवी रेडिएशन का, तो उनकी फूड चेन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम इनकी सॉल्यूशंस क्या है, डिप्लीशन अगर ओजोन लेयर की होगी तो ये सीरियस इशू है, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट की ओर से किसके लिए, इसकी प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे भी, किसके लिए, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। कुछ स्टेप्स हैं जैसे अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे नेचुरल मेथड्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए जिसकी वजह से हम पेस्ट और वीड को ख़त्म कर सकें इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल्स, ठीक है। या इको फ्रेंडली केमिकल्स यूज करने चाहिए टू रिमूव वीड्स मैनुअली। फिर मिनिमाइज करना चाहिए यूज ऑफ व्हीकल्स का इस्तेमाल जितना कम करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस कम लिबरेट होंगे जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन कम हो जाएगी, ठीक है ना। फिर ऐसे इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए, जैसे बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनमें क्लोरीन एंड ब्रोमीन आते हैं, अगर ये हम कम करेंगे इस्तेमाल तो ये कहाँ चले, अगर ज़्यादा करेंगे तो एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो वहाँ पे ये हमारी ओजोन को इफेक्ट करते हैं, इनका एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए ताकि हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर दे सके। फिर ऐसे ही यूज़ ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड जो है इनकी प्रोहिबिशन होने चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम प्रोहिबिट कर सके इनका यूज़ नाइट्रस ऑक्साइड का, पीपल को भी हम अवेयर कर सके इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, उनके प्रोडक्ट्स के इफेक्ट्स क्या है जो इमिट करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है, ताकि हम इसका यूज जो है वो कम से कम करें और ओजोन लेयर को हम बचा सके किससे, डिप्लीशन से, ठीक है। दैट्स एनफ, थैंक यू।